हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हमने ये देखा था कि यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अवे होगा, ठीक है। और यदि चार्ज निगेटिव होगा तो किधर होगा, टूवर्ड्स होगा। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था और आज हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, आई मीन मास यदि लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आई मीन वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो जो भी हमने रिजल्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए देखा था, सभी रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। और मैं यहाँ हिंट्स देते जाऊँगा, डेरिवेशन मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप ग्रेविटेशन में जो मेथड हमने फॉर रिजल्ट डिराइव करने के लिए यूज किया है वही मेथड आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्वेश्चन से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मोर देन वन पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। और बेटा जो मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था उसको मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। डाउट क्लास जब आज होगा तो उसमें, आई मीन आज नहीं, आज के पहले, क्योंकि आज का जो लेक्चर आपको कल मिलेगा, तो हम डाउट सेशन में जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, देखो हालांकि आगे भी इसको पढ़ना है लेकिन यहाँ मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए प्लस क्यू चार्ज है और एक है माइनस क्यू चार्ज है और दिस इज परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। परपेंडिकुलर बाईसेक्टर का मतलब क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट क्या है, पी है। आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, निगेटिव है। मान लो एक्स एक्सिस पे रखा गया है चार्ज और ठीक है, यहाँ फील्ड फाइंड आउट करना है बेटा। तो हम कैसे फील्ड फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां क्या होगा, P पॉइंट पे दो फील्ड होंगे। फील्ड क्या होगा, देखो जितने भी चार्जेज होंगे उतने क्या होगा, फील्ड होगा, नंबर ऑफ फील्ड्स। तो यहां सबसे पहले क्या है, आप ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो चार्ज की तरफ होता है, उसका डायरेक्शन समझ में आया ना, किधर होगा, चार्ज की तरफ। तो बेटा इसको हमने क्या लिखा, ई माइनस, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस किया। यहां देखोगे सबसे पहला काम क्या है, लाइन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, उसी लाइन के अलोंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होता है वो चार्ज बॉडी से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल से क्या होगा, अवे होगा बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E प्लस, वो अवे होगा, ठीक है, समझ में आया। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पे फाइंड नेट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, अपने को यही फाइंड आउट करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये आप ध्यान से देखना, यदि मैं इस एंगल को बेटा थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, समझ में आया। इस एंगल को हमने क्या किया, थीटा मान लिया, तो बाई मिस्टेक से यदि हम मिस्टेक सोच ले, बाई मिस्टेक से ईवी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो ये ध्यान से देखना, ट्रेंगल जो बन रहा है वो कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, आइसोसेलस ट्रेंगल बन रहा है। ये थीटा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, ईवी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, ईवी थीटा होगा,
ठीक है। तो एक तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, अब यहां ऐसे भी सोच सकते हो देखो कि इन दोनों का कंबाइन सिमेट्री से बोल सकते हो। अब देखो बेटा E प्लस, इसको इक्वेशन में वन लिख देता हूं, E प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा लिख सकते हो। देखो ये मैंने x मान लिया, x डिस्टेंस पे आप यहां से फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं O से, तो ये वाला जो डिस्टेंस क्या लिखें कि मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं कि q, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली e माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा कि q अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहां से आपको मालूम चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू माइनस q चार्ज एंड प्लस q चार्ज विल बी क्या होगा सेम, एंड दिस विल बी इक्वल टू ई नट, हमने मान लिया। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके एंगल बाई सेक्टर के क्या होगा अलोंग होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आपसे कोई पूछे कि ईपी का डायरेक्शन बताओ, तो ईपी का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ई प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर ई माइनस, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पी पॉइंट पे क्या होगा होरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी अदरवाइज दूसरा मेथड भी है, तो पहले इससे हम सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज आप क्या करो कंपोनेंट रिजॉल्व करके भी आप देख सकते हो, उसे भी मैं बता देता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो बेटा डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ईपी इक्वल टू क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस टू ई प्लस ई माइनस कॉस टू थीटा, सही है, सही है बेटा, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया टू थीटा हो गया, थीटा का वैल्यू हम क्या करेंगे रख देंगे। अब ये सेम है तो देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2e नट स्क्वायर प्लस 2e नट स्क्वायर कॉस 2 थीटा, या हम लिख सकते हैं देखो 2e नट आई थिंक कॉस थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये समझ में आया बेटा हमने कैसे लिखा, इसको 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट ए लिख दिया, तो ep इज इक्वल टू क्या होगा 2 k q अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहां से थीटा भी देखोगे तो cos थीटा का जो वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बेटा यहां आप बोल सकते हैं कि x अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 1 बाई टू, और ep नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या जाएगा 2k q x अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3 बाई टू, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन आपसे कोई पूछे तो डायरेक्शन क्या होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मेथड टू से हम कैसे सोच सकते हैं इसको, जब भी वेक्टर दिया हुआ है तुमको कंपोनेंट्स आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाईसेक्टर के क्या होगा अलोंग होता है, क्या होता है अलोंग होता है। अब तुमको ये समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्शन वाला भी फॉर्मूला मैंने बताया था, वैसे भी तुम सोच सकते हो। बेटा मेथड टू में देखो, मेथड टू हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, चलो इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको बेटा क्या मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इधर क्या लग रहा है E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर आई मीन देखो यही क्या है हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या है थीटा है, ठीक है। इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा E प्लस होगा, सही बात है। तो आप कंपोनेंट जब रिजल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा E माइनस साइन थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया क्या। तो Y कंपोनेंट देखो E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, इधर मैंने प्रूफ किया है, तो ये वाला कंपोनेंट Y कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और X एक्सिस के अलोंग जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा देखो E प्लस कॉस थीटा प्लस
E माइनस cos थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अलोंग क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहां हम बोल सकते हैं कितना होगा, टू इनर्ट क्या होगा, कॉस थीटा। आई मीन यहां हम लिख सकते हैं टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। समझ में आया बेटा? तो ये क्वेश्चन है, आगे इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, केवल सभी क्या करना है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ दिखा दो। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो वेक्टर के सम का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है उसको यूज करो। मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स है तो कंपोनेंट यूज करो, कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में क्या करो, रिजल्व करो, और फिर सिग्मा एक्स कंपोनेंट सिग्मा वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करो। और वहां से हमने वेक्टर में पढ़ा था कि हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखो इसमें क्या है, केवल आपको फोर्स लिख देना है या फील्ड लिख देना है। फील्ड पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिस तरह पॉइंट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, वेक्टर है, वेक्टर आपको आता है, तो आपको मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला टाइप जो बेटा हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सॉरी मास नहीं चार्ज। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने मास के केस में हमने पढ़ा है, समझ में आया, ऑलरेडी हम एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज को स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, उसके द्वारा हम फील्ड लिखेंगे, और फील्ड लिख करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही हमने देखा था। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, जनरल मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ बेटा दो तीन पॉइंट कंसीडर करना है अपने को, जैसे मान लो कि कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया बेटा, चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जस्ट मैंने ये मान लिया। तो ये तुमको जरूरी ये नहीं है कि हमने पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, हमने ऐसे मान लिया। अब आपको क्या करना है, पी पॉइंट पे क्या करना है, फील्ड लिखना है। ठीक है, अब पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके एक छोटे से एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, जिस पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। अब मान लो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, पी पॉइंट का डिस्टेंस यदि मालूम है, हमने मान लिया ऐसे कि पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा फील्ड क्या होगा, इधर होगा, इधर ही होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज बॉडी से अवे, निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज बॉडी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां मैंने ये लिखा कि क्या है, डीईपी, डीईपी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डी क्यू। हमने क्या किया, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल में डिवाइड किया, एक पार्टिकल कंसिडर किया जिसका चार्ज क्या है, डी क्यू है। तो यहां हम बेटा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, डीईपी इज इक्वल टू क्या होगा, के। ठीक है, मैं स्केलर फॉर्म में लिख देता हूं, समझ में आया ना, कि डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां हम लिख सकते हैं ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। अब यहां से तीन केसेस हो सकते हैं, इफ देखो, इफ If charge is, देखो ध्यान से, distributed along length
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज क्या होगा, इज 1D, आई मीन वन डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां dq हम कैसे निकालेंगे, देखो तो इस केस में हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, बेटा लीनियर मास डेंसिटी हमने डिफाइन किया था, देखो सिंबल जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का सिंबल जो होगा सेमी को याद रखना है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज, ठीक है, चार्ज अपॉन क्या पढ़ेंगे, लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो सिंपल कोई ये आर्क दिया हुआ है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ मान लो कि आपको फील्ड निकालना है, मुझे मालूम नहीं यहाँ हमने एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया dq, तो यहाँ जो dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू हम क्या लिख देंगे, dl। अरे यही होगा ना यार, चार्ज अपॉन लेंथ, आई मीन यूनिट लेंथ पे चार्ज है उसको लैम्डा, तो जितने लेंथ पे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखेंगे इस केस में, आगे हम आएंगे वन बाई वन इसको देखेंगे, इस केस में याद रखना है कि जब भी क्या होगा, क्या होगा, वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा, ठीक है, इसका यूनिट आपको मालूम है पर कूलम पर मीटर, ठीक है। तो यहां बेटा हम क्या लिखेंगे, देखो ईपी इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे कि याद रखना है लैम्डा, ठीक है, डीएल अपॉन क्या लिखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि इसको क्या करेंगे, कब होगा, जब वन डायमेंशनल होगा, ठीक है। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टू डायमेंशनल होगा, तो फॉर या इफ हम ये लिख रहे हैं, इफ चार्ज इज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्या होगा, सरफेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज 2D, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे सिग्मा, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई मीन क्या होगा, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां देखो ध्यान से, चार्ज अपॉन एरिया आई मीन क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो इस केस में यदि मुझे डी क्यू लिखना होगा, याद रखना, तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू, समझ में आई बात, क्या लिखेंगे, डी क्यू इंटू क्या, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी, ये समझ में आया। अरे यूनिट एरिया पे चार्ज क्या है, ये है। इस केस में सुनो ध्यान से, जब भी लाइन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम डिफरेंशियल लेंथ मानेंगे, यदि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डिफरेंशियल एरिया मानेंगे, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल, ठीक है, समझ में आया। और फिर तो आपको मालूम है डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा इंटू डी ए। जैसे जस्ट मैं अभी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, जैसे मान लो कि ये क्या है, प्लेट है, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है, प्लेट दिया हुआ है बेटा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बाद में मैं डिराइव करूंगा कि इसका फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, याद रखना है कि यहाँ हमने, ठीक है, चार्ज कैसे भी होगा, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली सबके लिए ये रिजल्ट हमें मिल चुका है, यहाँ से बेटा आप टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा इंटू क्या है, डी ए, ठीक है। अब आपसे पी पॉइंट पे फील्ड पूछा गया है बेटा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ए डी ए, इसका एरिया डी ए हो जाएगा, इस पर चार्ज लिख देंगे क्या, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और आपको मालूम है कि पी पॉइंट पे फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा,
ई पी इक्वल टू, अभी हमने बताया था क्या, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। जनरल रिजल्ट है बेटा ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि सिग्मा डी ए अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी ए का वैल्यू रखेंगे, सिग्मा का वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। थर्ड जो केस है कि इफ चार्ज इज क्या होगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट या थ्रू द वॉल, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज 3D। ठीक है, समझ में आया। इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, क्या रो वी क्या होगा, चार्ज। ठीक है, चार्ज अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम, आई मीन ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, 3D होगा, तो आई मीन थ्री डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हम डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, रो इंटू क्या लिखेंगे, डी वी। ठीक है, रो वी इंटू क्या होगा, डी। दिस इज डिफरेंशियल वॉल्यूम। ठीक है, और डी क्यू क्या होगा, डिफरेंशियल चार्ज। तो चार्ज आप, चार्ज भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं एक जगह लिख देता हूं। कभी कभी क्या है, कभी कभी लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी होगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा वेरिएबल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, थ्री होगा, और द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, तो वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अब फिर डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज कितना लिखेंगे, रो इंटू डी। अब नोट में हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से नोट में बेटा, कि क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, डी एल क्या है, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ठीक है, उसके बाद Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, डी ए, फॉर ये टोटल चार्ज है, Q का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू रो वी डी वी फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी कभी चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि चार्ज जब भी कैलकुलेट करना है, समझ में आया ना, डीएल क्या हुआ, डिफरेंशियल लेंथ, डीए क्या हुआ, डिफरेंशियल एरिया, डीवी क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो कभी कभी अब देखो ये क्या होगा, सिग्मा यदि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन, लैम्डा सिग्मा और रो यदि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, आई मीन चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, यदि कांस्टेंट नहीं है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं बेटा आपको, ठीक है, कि जैसे देखो एग्जांपल में देख लो, फिर मान लो कि क्या है, ये वॉल्यूम है, आई मीन सॉरी स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मान लो बेटा, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, और मान लो कि सरफेस चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, रो जो दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इंटू क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है।
ये क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट। आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम सेंटर। ग्रेविटेशन के लिए यही रिजल्ट वैलिड होगा, केवल यहां चार्ज की जगह क्या जाएगा? मास, और इस चार्ज डेंसिटी की जगह मास डेंसिटी बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फाइंड टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। ऑफ कोर्स ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, ठीक है। अब एक जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम फील्ड पे आएंगे, क्योंकि इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स तुमको मिलेगा तो याद रखना चाहिए, ठीक है। क्या करना है? चार्ज। अब देखो, सबसे पहले देखो ये कौन सा है, थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए बेटा आई विल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्यू कैसे लिखेंगे? तो कॉन्सेप्ट पहले क्या हो गया, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा इसमें, कि क्यू चार्ज इनक्लोज बाय द स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू क्या होगा? डी वी। ये रो भी और रो दोनों से ऐसे हम लिखते हैं, तो टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, रो का वैल्यू रख देंगे। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन A इंटू R इंटू डी आर। बेटा A कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, A को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, ठीक है। और R के टर्म में है तो मुझे यहाँ इंटीग्रेशन भी तुम लिख सकते हो, जीरो टू क्या होगा? कैपिटल R, जीरो टू क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि स्मॉल R का वैल्यू क्या होगा? जीरो, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, आई मीन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट क्या होगा? कैपिटल R हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो R डी आर, सॉरी डी वी, डी आर मत लिखना, सॉरी। अब ये आपको क्या करना है, अब मैं डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे लिखूं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको तुमको याद कर जाना है, ठीक है। दो मेथड बताऊंगा तुमको, इसको क्या करना है, याद कर जाना है कि डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो मेथड वन मैं बता रहा हूँ, क्या करना है इसको याद कर जाना है। देखो मैंने मान लिया, सुनो ध्यान से, कि एक है स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, इसका रेडियस मैंने मान लिया, आई मीन स्मॉल आर पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। सो स्मॉल आर रेडियस का एक क्या किया, एक नहीं, एक स्मॉल आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस का हमने क्या किया, देखो ध्यान से, एक शेल कंसीडर किया, ठीक है, क्या डी आर थिकनेस, इसका थिकनेस क्या है बेटा, डी आर। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना है आपका, इसका मतलब क्या है आपको समझ में आया, ये वाला वॉल्यूम निकालना है, ये वाला वॉल्यूम, यही क्या होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, ठीक है, समझ में आया। कौन सा वॉल्यूम होगा, यही डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो आप देखना इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम आप लिख सकते हो, डी वी इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो एक कर्व सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस क्या हो गया, डी आर हो गया। तो ये बेटा आपको याद रखना चाहिए कि स्फीयर के केस में डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा, फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, नॉट कैपिटल आर, कैपिटल आर नहीं होगा, स्मॉल आर, क्योंकि आर क्या है, चेंज हो रहा है। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, स्मॉल आर टू कैप, आई मीन स्मॉल आर का लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कैपिटल आर, तो आपको 4/3 πr³ टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है, तुमको नहीं आता है, दूसरा मेथड देखो, इसका वॉल्यूम लिखो, ए टू स्मॉल रेडियस का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम लिख दो, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 πr³, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या होगा, 4/3 πd(r³dr), सही है। यहाँ लिखोगे डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4π, देखो r स्क्वायर हो गया, तो डी वी इक्वल टू क्या होगा, 4π r² dr हो गया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो और वैसे भी सोच सकते हो। तो याद कर जाना है कि स्फीयर का जो
क्या होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, ठीक है। और रटना नहीं है यार, मैंने यहाँ लिखा है ऐसे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पहले हम इसमें हमने चार्ज लिखा कि डी क्यू कितना होगा, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं बेटा, देखो क्यू इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन 4 पाई, देखो 4 पाई एक आर ऑलरेडी है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे आर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आर क्यू डी आर, आर का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा कैपिटल आर। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको 4 पाई ए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा आर क्यू डी आर 0 टू आर। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, देखो ये क्या होगा 4 पाई ए आर रेज टू 4, ठीक है, 0 टू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो कितना आएगा पाई ए आर रेज टू क्या हो गया 4। तो इतना आपको क्या मिल गया, चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम कितना चार्ज है वो आपको मिल गया, ठीक है। गॉस लॉ जब यूज करेंगे बेटा तो वहां इसकी जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो Q enclosed क्या होगा, Q is equal to क्या होगा पाई ए आर रेस टू क्या हो गया 4, ये चार्ज enclosed by the sphere, ठीक है। यदि यहाँ वॉल्यूम मास डेंसिटी दिया हुआ होता तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना बेटा, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो आप इस आई थिंक नेक्स्ट इसके पहले आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो कभी कभी क्या है लीनियर मास डेंसिटी जो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है वेरिएबल भी होता है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा वन बाई वन अभी हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइप वन, याद रखना टाइप वन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब मैं कुछ डायरेक्ट तुम लोग मुझे बता देना, यहाँ देखो एक थिन वायर है जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज, मान लेता हूँ मैं अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका चार्ज ये क्या है, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, कूलम पर मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। यहाँ देखो ये पॉइंट क्या है, पी है, पी पॉइंट है। यहाँ मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ये मान लेता हूँ, जैसे वहाँ मैंने एक रिजल्ट बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये वाला एंगल क्या होगा बेटा बीटा, याद रखना ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा अल्फा, सही है, क्या हो जाएगा अल्फा। तो बीटा प्लस होगा, अल्फा क्या होगा माइनस, जब वैल्यू रखेंगे पी पॉइंट पे आपको क्या करना है फील्ड है। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है तो दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। यहाँ देखो जो इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, आई मीन ये जो होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख रहा हूँ ई परपेंडिकुलर, ठीक है, या ये डिस्टेंस मैं डी मान लेता हूँ बेटा, आई मीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और यदि ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा नीचे कम होगा, तो आपको मालूम है कि इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो किधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑलवेज क्या होगा, वायर से क्या होगा, थीन वायर से क्या होगा, अभी होगा, समझ में आया ना। इसलिए देखो मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये थीन रॉड है बेटा। पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, फील्ड लिखना है, ये ऑलरेडी सब मैं बता चुका हूँ।
तो देखो यहाँ से मैं y डिस्टेंस पे अगेन क्या करूँगा, एक dy, अभी मैंने बताया था कि डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करूँगा, इस पे चार्ज क्या होगा बेटा, dq होगा, इसके द्वारा यहाँ फील्ड लिखूँगा और इस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा और इसको कंपोनेंट में मैं रिजल्व करूँगा। देखो इसका जो डायरेक्शन होगा DE, P का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ, देखो P नॉर्मल और यहाँ मैं लिख रहा हूँ P क्या हो गया, पैरेलल। आई मीन EP का मतलब क्या हुआ, EP पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पैरेलल टू द वायर। EP परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है। अब मैं रिजल्ट नहीं बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं एक जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो कुछ, अब देखो इसके द्वारा जो फील्ड होगा क्या होगा, इसके द्वारा जो फील्ड होगा DQ, देखो DEP का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, K DQ अपॉन, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, d है बेटा, तो लिख सकते हो आप d स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, समझ में आया ना। अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो EP आप परपेंडिकुलर लिखोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा k लैम्डा अपॉन d, ठीक है, इंटू क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस क्या होगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। k क्या है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो चार्ज बॉडी से क्या होगा, अवे होगा, आई मीन इसका डायरेक्शन किधर होगा, EP लिखोगे, EP पैरेलल बेटा, क्या लिखोगे, EP पैरेलल, तो क्या हो सकता है, देखो K लैम्डा अपॉन D इंटू क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस क्या होगा, कॉस ऑफ बीटा, और ये पॉजिटिव, देखो ये नीचे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और किधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, आई मीन अप भी हो सकता है और डाउन, पैरेलल का मतलब इधर होगा, वो डिपेंड करता है। याद रखना है कि देखो यहाँ क्या होगा, यदि बीटा अल्फा से बड़ा होगा, आई मीन बीटा क्या होगा, यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ बेटा, इसको ध्यान में रखना तुम लोग, नोट में क्या होगा, इफ़, देखो इफ़ बीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा अल्फा, देन देखो क्या होगा, ठीक है, ई पी पैरेलल इज इक्वल टू क्या होगा, के लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस बीटा क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। यदि क्या होगा, इफ बीटा इज ग्रेटर देन क्या, बीटा इज लेस देन क्या होगा अल्फा, देन याद रखना है ई पी पैरेलल के लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, या लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ले लेना बेटा, और एक इधर होगा अपवर्ड होगा। यदि क्या होगा, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो ई पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तीन केसेस पॉसिबल है, ये भी याद रखना कि बाईसिमेट्री, यदि अल्फा इधर नीचे है उतना ही अल्फा ऊपर होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आई मीन जितना लेंथ परपेंडिकुलर बाईसेक्टर से जितना लेंथ नीचे है उतना ही लेंथ ऊपर पे जो चार्ज होगा उसका पैरेलल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, समझ में आया बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज लाइन चार्ज उसको हम कैसे सोचेंगे, देख लो यहाँ नोड में एक और पॉइंट लिख लो फिर हम देखते हैं। अब मान लो यहाँ देखो क्या है, इस पे निगेटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया, तो फॉर्मूला यही रहेगा बेटा, फॉर्मूला में कोई चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान देना है आपको। यहाँ देखो ये वाला एंगल अगेन क्या होगा अल्फा, ये वाला एंगल क्या होगा अगेन बीटा, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, समझ में आया बात, यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, ठीक है, ये एंगल क्या है बी,
यहां ध्यान देना है आपको कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द क्या होगा, टुवर्ड्स द क्या होगा लाइन चार्ज। निगेटिव चार्ज होगा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर कंपोनेंट टुवर्ड्स होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा अवे होगा। ठीक है, समझ में आया। पैरेलल क्या हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और क्या हो सकता है नीचे भी हो सकता है। इस केस में अभी यहां देखो जैसे हमने केस कंसीडर किया है वैसे ही आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ EP का जो वैल्यू होगा, अगेन देखो ये हो गया, चलो मैं मान लेता हूँ कि EP पैरेलल क्या हो गया, EP पैरेलल ऊपर हो गया। ठीक है, एवरी रिजल्ट विल भी क्या होगा सेम हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ हम केस वन बाई वन, तो बेटा देखो ग्रेविटेशन और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, के का डिफरेंस है। के का मतलब क्या हुआ, के की जगह हमने क्या लिखा था जी लिखा था कैपिटल जी। ये के क्या है, कूलम कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है 9×10⁹ फैराड, 9×10⁹ मीटर पर फैराड। ठीक है, इसका क्या होगा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन क्या होगा लेंथ होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब केसेस देख लेते हैं, इसमें हमने टाइप वन में केस फर्स्ट देख लेते हैं। इफ वायर, देखो यहां मैं लिख रहा हूं इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए बेटा क्या करना है बताओ, पहले तो लिखना है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा पाई बाई टू। सही है, समझ में आई बात। अब जब अल्फा और बीटा पाई बाई टू हो जाएगा तो तुम बताओ क्या लिखेंगे। ये रिजल्ट तुमको क्या करना है अभी याद रखना है बेटा। ठीक है, अल्फा आई मीन इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया तो फर्स्ट ये रिजल्ट ऐसे ही तुम दिखना चाहिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या है, पी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अलोंग। ये आई मीन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है। तो तुम बताओ इसमें वैल्यू रख दो बेटा। तो नेट फील्ड का जो देखो तो यहाँ ई पैरेलल क्या हो जाएगा, ई पैरेलल ई पी पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। और ई पी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द रॉड या वायर क्या हो जाएगा, देखो 2k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका वैल्यू रखोगे तो बेटा तो क्या लिखोगे लैम्डा अपॉन 2π इप्सिलन जीरो क्या होगा डी। ये आपको क्या करना है याद रखना है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या होगा वायर होगा। तो देखो यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ नेट डायरेक्शन जो होगा बेटा ई पी, इसको मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ई पी या मैग, ठीक है, ई पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा लैम्डा अपॉन क्या होगा 2π इप्सिलन जीरो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखो डायरेक्शन किधर है, यदि निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ ये भी मैं लिख देता हूँ, दोनों केस लिख देता हूँ। यदि क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा उस पर पी पॉइंट है, इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ अगेन पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और नेट फील्ड क्या होगा टुवर्ड्स द क्या होगा चार्ज बॉडी होगा। तो लैम्डा अपॉन क्या होगा 2π इप्सिलन जीरो क्या हो जाएगा डी। अभी इप्सिलन जीरो का मतलब क्या होगा बेटा कि ये सभी चीज़ें हम अभी एयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे, ठीक है, तो क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा बेटा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द क्या होगा लाइन चार्ज। ठीक है, समझ में आया बात। तो यहां हम लिख सकते हैं ग्राफ, यदि दोनों केस के लिए ड्रॉ करोगे तो यदि मैं ई पी लिख दूं, ठीक है, और यहाँ डी, डी क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम द क्या होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द चार्ज क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। यही हो जाएगा ना बेटा, लैम्डा हमने क्या मान लिया कांस्टेंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ई पी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सही है, सही है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें।
नहीं है, नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। ये ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ ये लिख सकते हो कि मान लो कि ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया हुआ है प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या है माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है, और एक पॉइंट वन है, एक दूसरा पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ई वन पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई टू पे जो मैग्नीट्यूड होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और ये रेशियो आप लिख सकते हो कि ई वन प्लस ले लो बेटा इस पर, ई वन अपॉन क्या हो जाएगा ई टू, डी टू अपॉन क्या हो जाएगा डी वन, ई वन ई वन ई टू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या हो जाएगा वन एंड, ठीक है, समझ में आया। तो एक फर्स्ट केस का केस देखो बेटा, तो याद रखना है अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कभी कभी इनफाइनाइटली नहीं भी दिया जाएगा, और याद रखना यदि इसका लेंथ एल है और एल जो है नियरली 10 टाइम्स क्या है डी का क्या है ज्यादा है, लेंथ क्या है यदि मैं लिख दूं एल इज ग्रेटर देन क्या होगा 10 डी, एल क्या है लेंथ ठीक है ऑफ वायर, और डी क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, तो हम क्या कर सकते हैं वायर को, वायर इज कंसीडर इनफाइनाइटली, कभी कभी क्वेश्चन में वेरी लॉन्ग दिया रहेगा, वेरी लॉन्ग का मतलब क्या हुआ बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग, याद रखना वेरी लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, वेरी लॉन्ग का मतलब क्या हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना, दो तीन पॉइंट कहीं आपको मिलेगा। जनरली हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि वेरी लॉन्ग चार्ज कैरिंग थ्री वायर इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एंड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट गिवन पॉइंट एनी अदर पॉइंट, उस केस में क्या यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा लैम्डा ऑफ 2 एप्सिलॉन 0 डी, और यदि क्या होगा लाइन चार्ज पॉजिटिव होगा तो वायर के से अवे होगा, यदि लाइन चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा तो वायर के तरफ उसका क्या होगा फील्ड होगा, लेकिन अलवेज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा वायर के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है सेमी इनफाइनाइट, तो दूसरा इसमें हम केस टू when charged carry wire is क्या होगा is semi infinite, ठीक है semi infinite, इस पे देखो इस पे पहले देख लो ध्यान से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा और मैं नज़दीक इधर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऑल केसेस मैं डिस्कस कर दूँ पॉइंट पे, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कंसीडर किया है, ठीक है ये ध्यान देना, इधर क्या है इन्फिनिटी है, तो देखो यहाँ बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है अल्फा इक्वल टू क्या हो गया जीरो, समझ में आई बात, ठीक है यहाँ देखो एक ही बार मैग्नीट्यूड में लिख देते, तो यहाँ आप ध्यान से देखना कि ई पी का ई परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा, देखो ई पी परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, और ई पी पैरेलल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इधर होगा, केवल मैं डायरेक्शन, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, अभी ऐसे भी आप देख सकते हो केस ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ये वाला डिस्टेंस डी दिया हुआ है, एक कोई पॉइंट पी है, इस पर क्या है अगेन पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में देखना बेटा क्या होगा ई पैरेलल जो होगा वो क्या होगा ऊपर होगा, यहाँ देखना ई पी पैरेलल, देखो जिधर ज़्यादा चार्ज होगा उससे अवे, ठीक है, और अगेन ई परपेंडिकुलर जब लिखोगे तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए ई परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा अलवेज अवे होगा, ठीक है यहाँ बेटा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू जीरो, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, समझ में आया। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा कि तुमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ये प्लस इन्फिनिटी मान लिया, इस पर क्या है
निगेटिव चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। अगेन ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ फील्ड लिखना है। देखो अगेन यहाँ अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट देखो बेटा किधर होगा, ऊपर ऐसे हो जाएगा ई पी, ठीक है। पैरेलल मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा तो मैग्नीट्यूड मैं एक साथ लिख दूंगा। ई पी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो नेट फील्ड देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे कोई पूछे कि नेट फील्ड किधर होगा तो इधर होगा। अब ई पी पैरेलल और ई पी परपेंडिकुलर दोनों सेम हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेट फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ बेटा कोई पूछे कि नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो इधर होगा, ठीक है। बाद में देखेंगे कि ये दोनों सेम आता है। यहाँ देखोगे तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, इधर होगा, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा केस भी हो सकता है, देखो ध्यान से, थोड़ा और नीचे ले लेता हूं मैं। ये क्या है, निगेटिव, दिस इज डी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। हमने क्या लिखा यहां पॉइंट, इस पे देखोगे तो अगेन ये निगेटिव चार्ज है तो पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर आएगा बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज वायर। और पैरेलल कंपोनेंट देखो इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, नीचे होगा ई पी पैरेलल। तो इसका अगेन नेट फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फील्ड ई पी का मतलब क्या होगा, नेट फील्ड एट पॉइंट पी हमने कैलकुलेट, और वैल्यू कितना होगा वो मैं बता देता हूँ, तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो यार, ठीक है। समझ में आई बात, देखो यहाँ अब ई पी पैरेलल, देखो ई पी पहले हम लिखते हैं ई पी परपेंडिकुलर, ई पी परपेंडिकुलर का हर केस में वही रिजल्ट होगा, क्या होगा, के लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा, डी साइन ऑफ अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, साइन ऑफ बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू रख दो बेटा, ठीक है, समझ में आया। मैग्नीट्यूड मैं लिख देता हूँ, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, किसी को एक जीरो कर दो तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बेटा, एक अरे साइन पाई बाई टू प्लस क्या होगा, साइन जीरो, आई मीन क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, ठीक है। और ई पी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई पी सॉरी पैरेलल क्या हो जाएगा, अगेन के लेमडा बाई क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। कॉस ऑफ अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बीटा। तो यहाँ भी मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, इसको भी जब लिखोगे तो के लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऑफकोर्स ए वाला एंगल कितना होगा बेटा, हर केस में ए 45, ये भी क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है, ये भी 45 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 45। समझ में आई बात। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए हमने क्या किया, केसेस डिस्कस कर। देखो मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के लिए लिख रहा हूं कि तुमको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। सेकंड थर्ड केस इसमें क्या होगा, वायर क्या होगा, फाइनाइट होगा, और पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे क्या होगा, लाइक। एक और थर्ड केस देख लो, इस केस में केस थर्ड देख लो पहले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये ट्विस्टेड है थोड़ा सा। देखो यहां से ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और पॉइंट पी यहां दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ये डॉट डॉट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी एक टाइप है बेटा, ये इनफाइनाइट है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है, चलो ये एंगल को मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, इस एंड से। ऑफकोर्स यहाँ देखना ध्यान से, इस पे प्लस चार्ज मैंने मान लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो देखो यहाँ तुमको केवल एक ध्यान देना है, यदि ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, चलो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका बेटा, ये आर दिया हुआ है। तो आपको ऑलवेज याद रखना इस फॉर्मूले में डी क्या है, d is the perpendicular distance of point from the wire. तो आपको आपका जो d होगा कौन सा होगा बेटा, ये वाला d होगा, तो d equal to r cos theta, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इस केस में देखो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, देखना यहाँ
अल्फा हमने नीचे एंगल कंसीडर किया था तो वहां मैंने माइनस यूज किया था। अब अल्फा यहां क्या हो जाएगा यार, बीटा इक्वल टू तो यहां दिख रहा है, बीटा इक्वल टू पाई बाई टू होगा। अल्फा इक्वल टू हम माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या बेटा? जो रिजल्ट है उसमें अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा हम यहां से आसानी से लिख सकते हैं। यहां दोनों एंगल देखो क्या है, क्योंकि हमने जब रिजल्ट डिराइव किया था तो वहां मैंने माइनस अल्फा टू बीटा लिया था, तब क्या है रिजल्ट प्लस आ रहा था माइनस आ रहा था, ठीक है। अब यहां क्या लेंगे, एंगल जो वैल्यू है वो क्या है, यहां थीटा जब हम वैल्यू रखेंगे तो थीटा को हम अल्फा को क्या करेंगे साइन के साथ रखेंगे। तो इस केस में देखना ईपी पैरेलल ईपी परपेंडिकुलर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, अगेन देखो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा इधर हो जाएगा, ठीक है। ईपी परपेंडिकुलर और ईपी पैरेलल कंपोनेंट का क्या हो जाएगा इधर, और हो सकता है इधर कहीं ये ईपी तुमको क्या हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे बेटा, के लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो क्या लिखेंगे वन माइनस साइन थीटा लिख देंगे बेटा, ठीक है। और ईपी यदि आप क्या लिखोगे पैरेलल तो वो क्या लिखेंगे के लैम्डा बाय डी इंटू कॉस थीटा, सिंपल कॉस थीटा, और ए कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, यहाँ रख लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ केस जो है उसको मैं बता देता हूँ, केस फोर्थ की क्या होगा, व्हेन चार्ज्ड थिन वायर इज फाइनाइट, ठीक है। देखो फाइनाइट होगा, यही पॉइंट पी है, फाइनाइट का मतलब समझ में आया ना, इनका लेंथ सेम होगा। ये मान लो कि हमने मान लिया एल लेंथ, ठीक है। अगेन देखना यहाँ भी ये वाला एंगल ये थीटा ए अल्फा हो गया और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा बीटा। तो यहाँ बेटा बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अगेन ई नेट जो फील्ड होगा वो किधर होगा, याद रखना है केवल यहाँ ई पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ई पी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ ई पी परपेंडिकुलर जो होगा कितना हो जाएगा बेटा, तो k लैम्डा अपॉन डी इंटू साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा, सही है, समझ में आई बात। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी, ठीक है, टू साइन थीटा। और साइन थीटा के बेटा वैल्यू रख सकते हो, यहाँ से देखो साइन थीटा कितना हो गया ये मैं बता देता हूँ, l बाई टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, और ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ तुम रख सकते हो, ई परपेंडिकुलर केवल होगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यदि मैं इस इधर एक्स एक्सिस मान लूँ, इधर क्या होगा वाई एक्सिस, तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो 2k लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा क्या हो जाएगा आई कैप, ठीक है। यदि निगेटिव चार्ज होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया, ठीक है। यदि टोटल चार्ज दिया होगा तो आप लैम्डा कैसे लिखोगे बेटा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या लिखोगे एल लिख दोगे, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके एक दो मैं होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई कर लेना बेटा, कोई भी बुक देखोगे इवन वीएम शर्मा भी इस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप उसको एक बार देख लेना, जिससे एग्जांपल के लिए देख लो बेटा, ठीक है, कि ये वायर है इस पे प्लस इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इस पे भी मैंने मान लिया क्या है प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा लैम्डा है, ठीक है, ई भी इनफाइनाइट
यहाँ से कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, डी कॉमा डी। ठीक है, समझ में आया बात? तो आपको क्या करना है, फाइंड, अब ये क्वेश्चन ये हो गया, फिगर ए लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैंने बताया बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ मैंने प्लस 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 लैम्डा सेम मान लेना लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया माइनस, अगेन परपेंडिकुलर बाई आई मीन एंगल बाई सेक्टर पे कोई पॉइंट पी है डी कॉमा डी, यहाँ आपको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इधर है इनफाइनाइट, तो देखो ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर है जिनको राइट एंगल पे रखा गया है, आपको क्या करना है, ये फिगर क्या हो गया बेटा, फिगर बी, फाइंड फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी। ठीक है, दोनों केस में पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसको ट्राई कर लेना बेटा, ये होमवर्क है, ऑलरेडी मैंने ग्रेविटेशन में भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चंस, तो आप देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा आई मीन टाइप टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ऑलरेडी बताया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू थिन वायर बेंट इन द क्या होगा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। ठीक है बेटा, एट इट्स सेंटर, ये ऑलरेडी मैंने बताया है बेटा, ठीक है, याद होगा, तो देखो यहां ध्यान से, ये कोई वायर है जो क्या है बेंड हो गया, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, यही क्या है इसका सेंटर है बेटा, ये सेंटर है, इसका रेडियस हमने मान लिया क्या है बेटा आर है, ये सेंटर सी है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, देखो यही क्या है, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको मैंने क्या लिखा एल ओ एस लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाला जो एंगल है वो क्या है अल्फा है। ठीक है, तो इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा केस आप देख सकते हो यहाँ, जस्ट समझना है इसको, इस पर क्या है निगेटिव चार्ज है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बता रहा हूँ, तो अगेन यही क्या है एल ओ एस है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये सेंटर है सी दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा बेटा अल्फा। तो पहले आपको देखना है कि अलवेज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग होगा, और यहाँ जो होगा सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस केस में अलवेज एल ओ एस के अलोंग होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से क्या होगा अवे होगा, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी जो होगा अवे होगा, यहाँ क्या होगा एल ओ एस के अलोंग होगा और क्या होगा टुवर्ड्स द क्या होगा चार्ज। समझ में आया क्या, तो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी एट पॉइंट क्या होगा सी, आई मीन सी क्या है सेंटर ऑफ द क्या है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ग्रेविटेशन के केस में कि क्या करते हैं, यहाँ से थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ पे एक डीएल एलिमेंट अप कंसीडर करते हैं डाउन, उसके द्वारा फील्ड लिखोगे तो इधर, इसके द्वारा इधर, तो बाई सिमेट्री क्या होगा फील्ड जो होगा एल ओ एस के क्या होगा एलोंग होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई सिमेट्री, ठीक है बेटा बाई सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर, विल बी डायरेक्टेड अलोंग एल ओ एस लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, अब आप पूछोगे सर मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड रट जाना है बेटा, ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल टू क्या होगा 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ, ठीक है, अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2। समझ में आया बात, तो तुम क्या कर सकते हो इसको आसानी से
याद कर सकते हो बेटा, ठीक है। 2k लैम्डा अपॉन r, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। k क्या है? k का वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻¹। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द क्या होगा, आर्क एट इट्स सेंटर। समझ में आया ना? देख लो अल्फा क्या है बेटा। तो अल्फा पे लैम्डा पे क्या है, अलवेज याद रखना है, फिर जो होगा वो क्या होगा, एलो एस के अलोंग होगा। यदि निगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द वायर होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा, वायर होगा बेटा। समझ में आया? अब हम अलग अलग केसेस देखेंगे, ठीक है। इसमें कई केसेस हैं, देखो मास ग्रेविटेशन में थोड़ा सा आसान हो जाता था, ठीक है। अब अल्फा का डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते जाओ, यहाँ सभी एग्जांपल है, देखो यहाँ ये लाइन चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ मुझे क्या करना है, सी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है बेटा। देखो यहाँ केवल वैल्यू रखते जाना, कंपोनेंट तुम अपने से बाद में रिजल्व कर सकते हो, कंपोनेंट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा, कंपोनेंट मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको। तो पहले बेटा क्या करना है, एल ओ एस, देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये 45 बाई सेमेट्री 45 डिग्री, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यही क्या होगा, एल ओ एस के, और क्या होगा, चार्ज से अवे होगा। तो इसी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर दिस इज एल ओ एस। यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पाई बाई टू, यहाँ भी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो वैल्यू तो तुम यहाँ से रख सकते हो, यहाँ देखो यही एल ओ एस है, अरे एल ओ एस लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कितना हुआ 45 डिग्री बेटा। तो सी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर, इसी, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों केस में अल्फा का वैल्यू रख दो, तो देखो यहाँ इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन ऑफ क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 आई मीन लिख सकते हैं रूट 2, ठीक है, k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा। तो इसी का मैग्नीट्यूड आपको मालूम चल गया, समझ में आया बेटा। ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें सेकंड एग्जांपल देखो, एग्जांपल टू, एग्जांपल टू में बेटा थोड़ा सा, ठीक है, देखो यही क्या है, सी पॉइंट है, एल ओ एस क्या है, यहां मैंने लैम्डा चार्ज रख दिया, तो चार्ज वायर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो किधर होगा, अभी आई मीन ईसी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डाउन होगा बेटा, बाई सेमेट्री, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल ओ एस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एल ओ एस, ठीक है। यदि दूसरा केस तुम देखना चाहोगे बेटा, तो मैं यहाँ निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, अगेन यही एल ओ एस हो जाएगा, यही सी हो गया, तो एल ओ एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अप हो जाएगा, यहाँ डाउन, यहाँ अल्फा इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो फील्ड का तुम वैल्यू यहाँ अल्फा इक्वल टू पाई रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। इस केस में बेटा दोनों केस में क्या होगा, ई का जो वैल्यू होगा, ई सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जे में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इस पूछा हुआ है, ठीक है, केवल तुमको रिजल्ट याद होना चाहिए। थोड़ा इसी में मैं देखो हम थोड़ा तुमको ट्विस्ट करता, अच्छा बाद में ट्विस्ट करता हूँ, अभी थर्ड जो एग्जाम्पल है बेटा देख जाओ, कि कुछ ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, 3/4 सर्कल, इसको हटा दिया बेटा, इस पे अगेन हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो पहले तो बेटा आप एल ओ एस ढूंढ लो, एल ओ एस का मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट नहीं बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री, यही क्या होगा, एल ओ एस।
तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ऑलवेज क्या होगा, चार्ज बॉडी से क्या होगा, अवे होगा, तो इसी का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। और बाई सेमेट्री से ये जितना एंगल होगा हम बोल सकते हैं यदि 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। यदि क्या होगा, इस पर निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वायर पे, तो माइनस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, तो यहाँ एलओ एस यही होगा, ठीक है। अब एलओ एस इस पॉइंट पे अगेन जो नेट फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ईसी वो इधर होगा, ये 45 हो जाएगा और दिस विल बी आल्सो 45, ठीक है। तो अगेन यहाँ अल्फा इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा बता सकते हो, यहाँ एल ओ एस, ठीक है। अल्फा कितना होगा, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू आई थिंक 3 पाई बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड जब लिखोगे तो इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, लिख सकते हो, अरे 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो आई थिंक इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन 2k लैम्डा रूट 2 आई थिंक आएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा, ठीक है। इसमें एक लास्ट जो होगा, आई मीन यदि वायर है वो कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में बेंड है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर थोड़ा इसमें कुछ चेंज लाइक एग्जाम्पल 4 देख लो, इसमें तुमसे और कुछ नहीं पूछा जा सकता बेटा, जितने वेरिएशन हो सकते हैं पूरा मैंने बता दिया, अलग नहीं पूछा जाएगा। अब यदि क्या होगा, कंप्लीट वायर हो आई मीन सर्कल हो, तो उस केस में क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, यहाँ बाई सेमेट्री फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, ईसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू बेटा, अल्फा इक्वल टू 2 पाई रख दो, रिजल्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कुछ इसमें होमवर्क देना जरूरी है, और होमवर्क क्या है, देखो यहां ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि यहां इस पे क्या है, देखो इसमें क्या किया गया बेटा, ये कुछ पार्ट कट करके क्या किया गया, हटा दिया गया। ये डीएल लेंथ मान लो, ये डीएल लेंथ क्या है, कट करके क्या किया गया है, हटा दिया गया है। समझ में आई बात, डीएल। समझ में आया ना। और ये क्या है, चलो ऐसे मैं मान लेता हूँ, ये डी थीटा जो है वो क्या है, डी थीटा मान लेता हूँ। समझ में आया ना, इन द क्या होगा, इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन द शोन फिगर ए स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द रिंग, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियस दिया है बेटा, ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिंग एट इट्स सेंटर। और थोड़ा सिमेट्री यूज करना बेटा, आई मीन हम लिख सकते हैं कि नेट फील्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूवल पार्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। इससे अरे यहाँ उसको ऐड कर दो, तो थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सोच लेना तुम लोग। ये होमवर्क एक मिला तुमको, ठीक है, ये होमवर्क है बेटा, इसको ट्राई कर लेना, टाइम नहीं है तो मैं दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये भी होमवर्क है। ऐसे कुछ काम नहीं चलने वाला है बेटा, ठीक है। थोड़ा मैं ट्विस्ट करता हूँ, इस पे प्लस लेमडा रखता हूँ और इस पे माइनस लेमडा, बेटा लेमडा लेमडा। आपको क्या करना है, इधर ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, तो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। ये फिगर ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, बस ये लिखना सीख जाना तुम लोग। इस पे मैंने क्या किया, इस पे लैम्डा लैम्डा, इसका रेडियस आर, ठीक है। देखो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फिगर क्या हो गया, फिगर बी। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना, थोड़ा ट्राई कर लेना। देखो इधर पॉजिटिव और नीचे मैं क्या रख रहा हूँ, नेगेटिव। बस इतना कर जाओगे तो सारे बी एम शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रेडियस आर दिया हुआ है, इस पे लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा, ठीक है, सेंटर से। तो फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट सी एज शोन इन द, क्या होगा, इन द फिगर्स, ठीक है बेटा। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आया हुआ भी क्वेश्चन है जेई में, ठीक है। तो और वायर से रिलेटेड इससे अलग कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी तुम बुक देखना सॉल्व कर सकते हो आराम से, बस थ्योरी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगेन मैं डेरिवेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला टाइप क्या है, फोर्थ था, फोर्थ में ही। अब अगला जो टाइप है, टाइप आई थिंक टू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द, क्या होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज्ड थिन रिंग, ठीक है बेटा। कोई रिंग है, कोई उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पी पे फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ग्रेविटेशन में हम पढ़ चुके हैं बेटा, मान लो कि ये पॉइंट क्या है, पी है, इस पे चार्ज जो है क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रूफ देख लेना तुम लोग, ठीक है। ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैंने प्रूफ पढ़ा है, इसलिए प्रूफ मैं नहीं पढ़ा। बाईसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। ग्रेविटेशन में ऑलरेडी देखो, एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर करो, एक एलिमेंट यहाँ कंसीडर करो, देखो इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो किधर होगा बेटा, इधर, ठीक है, ए डी ई पी। और इसके द्वारा जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ई वी डी ई पी। तो बाई सिमेट्री नेट फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अलवेज क्या होगा, चार्ज से अवे होगा, ठीक है। नेगेटिव होता तो किधर होता बेटा, देखो यहाँ नेगेटिव के लिए क्या सोचोगे, नेगेटिव चार्ज होगा, यही एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट पी है, तो नेगेटिव चार्ज होगा
तो यहाँ जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा बेटा, तो टुवर्ड्स द क्या होगा, चार्ज वाले। ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है। इस पे चार्ज क्या है, क्यू है। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, फील्ड लिखना है बेटा। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, बाई सेमेट्री, बाई सेमेट्री फील्ड एट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग विल बी डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई मीन एक्सिस के अलोंग ही क्या होगा, रिंग जो के एक्सिस के अलोंग क्या होगा, डायरेक्टेड। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैं लिख देता हूँ, और इसको आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। ग्रेविटेशन के केस में क्या था, आपको याद आया, ग्रेविटेशन इस पे मास एम था। ठीक है, नोट में इधर देख लो, फिर ये भी जस्ट देखो, इस पे मास एम है, एक्स डिस्टेंस से मुझे फील्ड लिखना है पी पॉइंट पे। तो यहाँ ई जी मैंने लिखा था बेटा, और ई जी का फॉर्मूला जो होगा, बाई सेमेट्री, ई जी कितना था बेटा बता सकते हो, ई जी इज इक्वल टू क्या था, आई मीन क्या था, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या था बेटा, 3/2। ऑलरेडी मैंने डिराइव करा है। तो यहाँ क्या होगा इस केस में, ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने बताया कि यदि रिंग है, रिंग के सरकमफेरेंस पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या होगा, 3/2। उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, जी को क्या करना है, के से रिप्लेस कर देना है, के चार्ज को मास, मास को चार्ज से, तो क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर क्या होगा, 3/2। ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद कर जाना है। फॉर क्या होगा, रिंग, फॉर चार्ज रिंग, ये भी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सिस पे किस पॉइंट पे, देखो यहाँ दो तीन केसेस हमने डिस्कस किया था कि एक्स क्या हो जाए, व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्या होगा, रेडियस। ये भी केस हो सकता है एक्स बहुत ही छोटा, देखो एक्स जब इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बेटा। अब बोला कि सर जीरो कैसे जाएगा, हो जाएगा यार जीरो मान लो, उसके बाद एक्स यदि जीरो होगा तभी फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पे फील्ड जीरो, इन्फिनिटी पे फील्ड जीरो, इसका मतलब क्या है, पहले फील्ड बढ़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, और उसके बाद फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने प्रूव किया था, नोटबुक में देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं ग्राफ अभी ड्रॉ करता हूँ और बताता हूँ। तो ये समझ में आया, हाँ देखो, तो अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एट क्या होगा, देखो नोट में, इफ एक्स इज क्या हो जाएगा, जीरो, देन बेटा ई पी विल बी क्या होगा, जीरो, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लो, तुमको थोड़ा सा डाउट होगा, देखो क्या होगा, इफ यहाँ मैं लिखूँ, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, r, देन बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, देन देन क्या लिख सकते हैं, देखो ep पी इज इक्वल टू क्या होगा, k क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू इन टू वन प्लस आर अपॉन एक्स द होल स्क्वायर के पावर 3/2। ये तो जीरो हो जाएगा बेटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ep पी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, आई मीन रिंग विल बिहेव लाइक ए क्या होगा, पॉइंट मास सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। समझ में आया ना, तो रिंग जो होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, जब एक्स बहुत ही बड़ा हो जाए रेडियस से,
तो क्या होगा, रिंग विल बी हैव लाइक ए पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, नॉट मास सॉरी, पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। और पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ हमने क्या लिखा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही देखो ध्यान से, इफ अब मैं लिख दूँ कि इफ एक्स इज नियरली क्या हो जाए इन्फिनिटी, तो देखो तो ई पी बेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो आई मीन सेंटर पे भी फील्ड जीरो है और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू इन्फिनिटी मत रखो बेटा, यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी रखो, समझ में आया ना। थर्ड केस क्या देखोगे कि इफ क्या होगा, इफ x इज मच मच ग्रेट स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा बेटा, x बहुत ही छोटा हो, देन देखो ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू क्या होगा वन प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन आर द होल स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। अगेन ए वाला टर्म जीरो बेटा, तो ई पी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन क्या होगा, आई मीन एक्स छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली क्या होगा, वेरी करेगा अलॉन्ग द एक्सिस, ये याद रखना है, एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, लीनियरली वेरी करेगा। अब हमने ये बेटा देखा था कि क्या होगा इलेक्ट्रिक ई पी, देखो ध्यान से ये याद रखना है, ई पी विल बी क्या होगा, विल बी मैक्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई क्या होगा रूट टू। अब ये डेराइव नहीं कराऊंगा बेटा, ये याद रखना है, कई बार ये ग्रेविटेशन में ऑलरेडी मैं डेराइव करा चुका हूँ, ठीक है। अभी इसकी भी ज़रूरत होगी SHM के लिए, समझ में आया ना, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब x बहुत छोटा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लीनियरली वैरी करेगा, आई मीन चार्ज फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स हो क्या होगा, लीनियरली वैरी करेगा। तो यहाँ SHM का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। अब ई पी मैक्स कितना होगा बेटा, हम वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं यहाँ, तो ई पी देखो यहाँ मैक्स वैल्यू रख दो बेटा कितना होगा, तो के क्यू आर बाई क्या लिख रहा हूँ रूट टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर दूं, रिंग से अलग कुछ नहीं तुमसे पूछा जाएगा, हाँ एक क्वेश्चन है जो अभी हम देखेंगे। तो देखो ई पी ठीक है मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, के क्यू आर बाई क्या हो जाएगा रूट टू, ठीक है, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हो थ्री, देखो थ्री आर स्क्वायर बाई टू की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। तो ई पी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा टू रूट टू हो जाएगा ऊपर, तो देखो मैं लिख सकता हूँ टू और इसको थ्री रूट थ्री बेटा, आई थिंक यही होगा, देख लेना एक बार चेक कर लेना तुम लोग, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई टू पे मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, तो फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, इतना होगा कितना, देखो इसका क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 बाई टू का मतलब क्या होगा टू रूट टू, ऑलरेडी रूट टू है तो रूट टू कैंसिल टू, और 3 के पावर क्या हो जाएगा आपका 3 के पावर 3 बाई टू आई मीन क्या होगा 27 रूट, तो 3 रूट 3 आ गया, तो यही क्या हो जाएगा क्या? अब ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ई पी, दिस इज एक्स इन्फिनिटी, इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी एक्स इधर ए, तो नियरली जब एक्स बहुत छोटा होता है तो देखो ध्यान से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। देखो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू, सिमिलरली कुछ ऐसे, कुछ थोड़ा सा
दैट्स इट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ई पी क्या होगा, ई पी मैक्स, और इधर भी क्या हो गया, ई पी मैक्स, ठीक है। तो ये इससे अलग कुछ नहीं पूछा जा सकता, समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बेटा हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम स्टडी करते हैं, और इसके बाद हम अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या पढ़ेंगे। इसमें एक और न्यूमेरिकल्स हैं जो SHM से रिलेटेड हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, उसके बाद कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।